फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को अपना तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है, आप अपने फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है, आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे फोन का स्टोरेज जो है बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के आप फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए, राइट साइड के टॉप पर ये प्रोफाइल पिक्चर है छोटी सी, इसे टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है। तो बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पे पहले से बंद किया हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहां पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। अगला काम यह करना है, आपके फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है। एक काम यह भी करना है कि आपके फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको है ना अपने मोबाइल फोन का बाकी का बचा हुआ डेटा जो है उसका बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है।